परीक्षा पे चर्चा के ऊपर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो इनिशिएटिव ले रहे हैं उसी से बच्चों के ऊपर काफ़ी असर पड़ रहा है। बच्चे अभी और एग्ज़ाम को इतना नहीं डर रहे हैं। हम देखा कि डिफरेंट एग्जामिनेशंस उसके बाद जो हो रहा है उसी में उनका अटेंडेंस भी बढ़ रहा है और बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर और उनके मन में तनाव भी कम हो गया है। और उसका फायदा ये है कि बिना तनाव एग्ज़ाम देंगे तो निश्चित रूप से उनका अंक बढ़ेगा और वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। धन्यवाद। मैं अरविंद दीक्षित, केंद्रीय विद्यालय देवगढ़ की तरफ से आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। और यहां पर हम परीक्षा पर चर्चा विषय पर कंपटीशन के लिए तैयार हैं और उसकी कार्रवाई चल रही है। बहुत सुंदर पेंटिंग बनाते हुए बच्चे हैं। चलिए आज इनसे बात करते हैं और इनकी पेंटिंग्स को देखते हैं। सुंदर पेंटिंग इन्होंने बनाई है। नाम बताइए। सर खुशी प्रधान। और क्या बना रही हैं? योगा ब्रेंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। इसके साथ सर ये देखिए, रुद्राक्षी सैनक नाइक। रुद्राक्षी सैनक नाइक। सैनक नाइक, आप क्या बना रही हैं? योगा ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। योगा ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, वेरी नाइस। कालीन साहू। और किस विद्यालय से? केंद्रीय विद्यालय देवगढ़। अच्छा, क्या बना रही हैं? इंडिया इज इनक्रेडिबल। बहुत सुंदर पेंटिंग लग रही है आपकी, बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर पेंटिंग बनाते हुए केंद्रीय विद्यालय के छात्र यहाँ पर, साथ में केंद्रीय विद्यालय गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। हाँ, उधर वो विद्यालय कौन सा आपका? आरबीडी राजा वासुदेव हाई स्कूल, वेरी नाइस। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंगें बनाई जा रही है और परीक्षा पर चर्चा के दौरान हमारे साथ एस्कॉर्ट हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? चुड़ामणि साहू, म्यूनसिपैलिटी सीआरसी। जहाँ बहुत बढ़िया। हाँ सर, ओडिया रे कहि दे। बहुत बढ़िया है जी, पिला को पार्टिसिपेट जो कौन परीक्षा पे चर्चा में जो 25 टी इवेंट हम को नहीं दिया जाए छी। आ पिला कर जो थीम ऊपर जो सुंदर भाव रे करूचंती एटा बहुत बढ़िया है जी। आ पिला को पई इंस्पिरेशन इन फ्यूचर रे बहुत बढ़िया, पिला कर लाइफ पे बेटर काम कर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर प्रदर्शन बच्चों के द्वारा और बड़ी सुंदर पेंटिंग्स बच्चे बना रहे हैं यहाँ पर। बहुत से विद्यालयों के डिफरेंट बच्चे एस्कॉर्ट्स आए हुए हैं और बहुत सुंदर प्रोग्राम यहाँ पर ये चल रहा है। आपका ही प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो बताए हैं स्ट्रेस से कम आउट होने के लिए स्टूडेंट्स को, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि बच्चे लोग बहुत ही स्ट्रेस रहते हैं जब एग्ज़ाम आता है, तो इसके माध्यम से शायद कुछ स्ट्रेस उनका कम हो पाएगा, इसलिए ये बहुत ही स्वागत योग्य पदक्षेप है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे लोग तो बहुत सुंदर पेंटिंग बना रहे हैं लेकिन रिजल्ट क्या होता है देखते हैं। तो आज आप देख रहे हैं ये और इसके साथ जो परीक्षा पे चर्चा है इस पर आप कुछ जरूर प्रकाश डालें। आप तो इससे बहुत क्लोज जुड़े हुए हैं, बच्चे भी बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं। एक्चुअली द बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वॉज टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। नॉर्मली इट इज परसीव एज समथिंग विच इज टैबू अमंग द स्टूडेंट्स, लाइक व्हेन एग्जाम्स आर अप्रोचिंग इट इज समथिंग दैट वी शुड बी अफ्रेड ऑफ। So this concept, this prehistoric concept we can say, is damaging the psyche of the students. So the basic idea was to create an environment of relaxation where the students can actually enjoy while giving the exam, while preparing for the exam. So and particularly for this contest, it is basically an initiative awareness regarding Pariksha Pe Charcha and the mantras given by the Honorable Prime Minister. And I think Kendriya Vidyalaya Deogarh has very successfully achieved it. The basic aim of the
competition. The event was to, you know, create an awareness. It is not only about winning and losing. To me, it is about the participation, and I can see the eagerness of the students in their faces while they are making the artwork. So I think it is 100% successful. Good, very nice. Thank you for handing over these books to our students. Very good. So they all. एक वातावरण क्रिएट हो रहा है, उसको जितना ज्यादा हम डाइल्यूट कर सकते हैं करना चाहिए, जीवन का उसको सहज हिस्सा बना देना चाहिए, जीवन का एक सहज क्रम बना देना चाहिए। अगर ये करेंगे तो परीक्षा अपने आप में एक उत्सव बन जाएगी, हर परीक्षार्थी का जीवन उमंग से भर जाएगा और ये उमंग उत्कर्ष की गारंटी होता है। उस उत्कर्ष की गारंटी उमंग में है। उस उमंग को लेकर के आपके लिए आपको शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब परीक्षा से पहले मोटिवेशन लेना चाहिए और उत्साह से परीक्षा लेना चाहिए। सो थैंक यू सर। सर बहुत कुछ सीखने की वजह से स्टार्टिंग से स्मार्टली हार्डवर्क उधर से शुरू करके हमारे एडिक्शन मोबाइल का एडिक्शन से लेके हमें फास्ट ट्रेनिंग करना चाहिए कि दिन चूज करके दिन में मतलब उतने घंटे तक टेक्नोलॉजी से दूर रहना चाहिए। उसके बाद टीचर्स को भी बहुत सारे चीज सिखाया प्रधानमंत्री जी ने, जैसे कि बच्चों के साथ क्लास में कैसे बिहेव करके उनका इंटरेस्ट बढ़ाया जा सके। तो हमें एग्जाम का जो फेयर है उसे